राजस्थान में भले ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन जिस तरह से वहाँ विपक्ष और निर्दलीय दोनों मिलकर भजन दाल की मुश्किलें बढ़ाते हैं, उससे वहाँ बीजेपी कमजोर होती जा रही है। जैसे अब बेनीवाल और भाटी दोनों ने मिलकर भजन दाल को टेंशन दे दिया है। अब क्योंकि दोनों नेता ने एक ही मांग की है, इसलिए इस बात की चारों तरफ चर्चा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजस्थान में इस वक्त छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्म है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर जोरों शोरों से मांगे उठ रही है। इसी को लेकर बेनीवाल और भाटी ने भी अब मांग उठाई है। रविंद्र भाटी ने क्या मांग की? सबसे पहले बात करें शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की, तो राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार को शून्यकाल में घेरते हुए छात्र संघ चुनाव को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की। उन्होंने कहा, सरकार से आग्रह है कि युवा देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीतिक क्षमता के विकास के लिए नियमित छात्र संघ चुनाव कराया जाना आवश्यक है। छात्र संघ चुनाव राजनीति में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। छात्र संघ चुनावों के संबंध में प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख निवेदन है कि विगत सरकार ने कुलपति समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2023-24 के छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी। समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार छात्र संघ चुनाव नवीन शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक है। छात्र संघ चुनावों के संबंध में उक्त तर्क पूर्ण तरह औचित्यहीन है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव कराए जाना प्रदेश के युवाओं के लिए नितांत आवश्यक है। छात्र संघ चुनाव देश की राजनीति नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी। तो सुना आपने कैसे विधानसभा में भाटी ने छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग उठाई है। हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा? वही भाटी के अलावा आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी इसकी ही मांग उठाई है। नागौर सांसद बेनीवाल ने छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखा है। बेनीवाल ने अपने पत्र में लिखा, उपरोक्त विषय के क्रम में निवेदन है कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पुनः बहाल करवाने की मांग को लेकर छात्र आंदोलित है। पूर्ववर्ती सरकार के समय जब छात्र संघ चुनाव स्थगित किए गए थे, तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर आंदोलन करने के बाद छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर राजधानी जयपुर में रैली का भी आयोजन किया था और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री ने चुनाव करवाने का वादा किया था, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए और 2023 के विधानसभा चुनाव में छात्र शक्ति ने उन मंत्री जी को विधानसभा का चुनाव हरा दिया था। आगे बेनीवाल ने लिखा, मैंने विधायक रहते हुए छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग विधानसभा में भी उठाई थी, क्योंकि छात्र संघ चुनाव के माध्यम से छात्र अपना प्रतिनिधि लोकतांत्रिक रूप से चुनते हैं और उस माध्यम से वो अपने कॉलेज विश्वविद्यालय की समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप छात्र हितों को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पुनः बहाल कराने के आदेश करवाएं। अब जिस तरह से यहाँ बेनीवाल और भाटी दोनों ही एक ही मांग कर रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों ने मिलकर भजन लाल को भड़काया है। देखना होगा कि इनकी डिमांड पूरी होती है या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको भाटी का विधानसभा का पूरा बयान सुनाते हैं, सुनिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। छात्र संघ चुनावों के संबंध में प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख निवेदन है कि विगत सरकार ने कुलपति समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2023-24 के छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी। समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार छात्र संघ चुनाव नवीन शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक है। छात्र संघ चुनावों के संबंध में उक्त तर्क पूर्ण तरह औचित्यहीन है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव कराए जाना प्रदेश के युवाओं के लिए नितांत आवश्यक है। छात्र संघ चुनाव देश की राजनीति नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है जो नवीन राजनीतिक पीढ़ी को तैयार करती है। आज राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ राज्य स्तर पर अधिकतम नेतृत्वकर्ता छात्र संघ राजनीति से निकले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं इसी राजनीति
छात्र संघ राजनीति से आते हैं, मेरा संबंध भी छात्र राजनीति से रहा है और साथ ही साथ इस सदन में बड़ी संख्या में ऐसे सदस्य उपस्थित हैं जिन्होंने छात्र राजनीति के मंच से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। छात्र संघ चुनाव में युवा राजनीतिक मूल्यों को सीखता है, युवा दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना सीखता है। जहां पहली बार जन सेवा की भावना अंगड़ाई लेती है, छात्र संघ चुनाव वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का आधार स्तंभ है जिस पर आगामी राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा तय होगी। एक स्वाभाविक लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ चुनाव अपरिहार्य और अनिवार्य है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि स्वच्छ, पारदर्शी और नियमित छात्र संघ चुनाव करवाने की कृपा करावे। आपका यह निर्णय राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के नीति निर्माण में, राष्ट्र के लोक कल्याणकारी अवधारणा की सकारीकरण में सहयोग प्रदान करेगा। धन्यवाद। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद।